हेलो बच्चों, मैं अल्पना यादव एक छोटे से बेबी की एक दिन की कहानी आज सुनाते हैं कि उसके पूरे दिन की क्या दिनचर्या है, उसने इस कहानी के माध्यम से अपनी दिनचर्या को क्या किस तरीके से बताया है। तो कहानी का शीर्षक है बेबी का एक दिन। ओम प्रकाश कश्यप की कहानी है ये, तो आइए सुनते हैं बेबी का एक दिन। 6:30 बजे सुबह का समय बताया गया है कि बच्चा कह रहा है, वो छोटा सा बेबी। आज सुबह मैंने मम्मी की आंचल से सटने की कोशिश करी तो उन्होंने रोज़ की तरह मुझे झिड़क दिया, पर हट, अब तू बड़ा हो गया है, और वे काम में लग गई। मैं उनसे कहना चाहता था कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ जितना वो मुझे समझती हैं, बस इतना बड़ा हुआ हूँ कि एक साथ दो केले खा सकूँ, चाचा के हाथों से बिस्किट का पैकेट झपट कर दूर भाग सकूँ। मेरी हथेलियाँ अब भी नींबू के पत्ते की जितनी छोटी हैं, बड़ा होने की मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। चंदा मामा जो रोज़ सपनों में आकर मुझे लोरी सुनाते हैं, तारे जो मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं, क्या पता मेरे बड़ा होते ही ये मेरे पास आना छोड़ दें। ये चिंता भी बच्चे को सता रही है। और मैं माँ को बता देना चाहता हूँ कि मेरे भीतर मुझसे भी छोटा कोई बच्चा है। वो आँख खुलते ही माँ के आँचल में दुबकने को व्याकुल हो उठता है। उनका झिड़क देना मुझे दुखी कर देता है, और उस समय मैं खुद को यही समझाता हूँ, अरे वो तो मेरी माँ है, मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो ठीक ही कहती होंगी। अब समय बताया है 7 बजे का, कि सुबह के 7 बज गए हैं। तो बच्चा सोच रहा है, क्या मैं सचमुच बड़ा हो चुका हूँ? क्या माँ सचमुच ऐसा समझती है? तो क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। यही सोचकर मैं पलंग से उतरने लगा नीचे, तो अचानक मम्मी की चीख सुनाई पड़ी। वे रसोई से दौड़ती हुई मेरे पास पहुंची। अरे 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 अरे, क्या करता है तू? तू अभी छोटा है, गिर जाएगा। उन्होंने मुझे पीछे से जकड़ लिया। उस समय उनकी जो सांस थी वो बड़ी तेज तेज चल रही थी। हालांकि इससे पहले भी मैं पलंग से उतर चुका हूँ, मम्मी पापा के सामने भी उतर चुका हूँ, इसके बावजूद मम्मी मुझे निरा बच्चा ही समझती हैं। बड़ी उलझन है कि मैं खुद को बड़ा मानूं या छोटा मानूं। घबराकर मैं पीछे हट गया। मुझे लिटाकर दोबारा न उतरने की हिदायत देती हुई माँ फिर से रसोई में चली गई, और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद नहीं आ गई। अब 7:30 हैं सुबह के, तो उसके पापा की आवाज़ आई कि विविध को जगाओ, स्कूल जाएगा। तो ये सुनकर मेरी नींद उचट गई। स्कूल का नाम सुनते ही मुझे तो रोना आने लगा। पापा मम्मी बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे नहीं आती? मैं कागज़ पर कलम चला लेता हूँ, रिमोट कार को इतनी अच्छी तरह घुमा सकता हूँ, पापा को छका सकूँ। एक दिन मम्मी कह रही थी, मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। मैंने ये बात दादू को बता दी, वे मेरे लिए नया मोबाइल लाने वाले हैं। पापा दिन भर ऑफिस में जाने कैसे रह लेते हैं, मुझे तो अपना स्कूल कैद खाने के जैसा लगता है। मैडम हर समय तनी तनी घूमती रहती है, अपने घर पर मैं जरा सा मुस्कुराऊँ तो हर कोई खिलखिलाने लगता है, और मैडम तो पता नहीं जाने कैसी हैं जो हंसती ही नहीं। कल दादू पूछ रहे थे कि विविध तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है, मैं तो रहा चुप, कैसे बताऊँ? स्कूल में तो मैंने कोई दोस्त ही नहीं बनाया, क्लास में कुछ बच्चे तो मुझसे छोटे हैं, वे आते हैं तो उनकी आंखें लाल हो ही रहती है, कितनी देर कक्षा हो बस रोते ही रहते हैं रोते ही रहते हैं। वो अब उन्हें कौन समझाए कि मम्मियाँ घर रहती हैं, वो पढ़ने नहीं आती, पढ़ना तो हम बच्चों को पड़ता है। पापा कहते हैं कि मेरे स्कूल में खिलौने हैं, अरे खिलौने तो मेरे घर में भी बहुत सारे हैं, चाचू से जिस खिलौने की फरमाइश करूं अगले दिन घर ले आते हैं, सिर्फ खेलने के लिए स्कूल जाना क्यों जरूरी है, खेल तो मैं घर पर भी सकता हूं। अब सुबह के 7:45 हो गए हैं, पापा मेरे स्कूल और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती हैं, भला पापा फूलों और तितलियों की बात क्यों नहीं करते, दीवार पर दौड़ लगाने वाली छिपकली की बात करें तो मुझे भी सुनने में अच्छा लगे, जब वह मच्छर के पीछे दौड़ती है तो कितनी फुर्ती दिखाती है, परंतु माँ क्यों चुप है, वो तो मानती है ना कि मैं भी छोटा हूँ, यही बात पापा को क्यों नहीं बता देती, समझा? ओहो मम्मी तो भुलक्कड़ हैं, वे कभी मुझे छोटा बताती हैं और कभी बड़ा। उनकी बात सुनकर ही मुझे उलझन होती है कि मैं जब दो केले एक साथ खा लेता हूँ खा सकता हूँ तो इससे तो लगता है कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन जब मैं बस्ता लेकर स्कूल जाता हूँ तो पीठ उसके पोस से पिरपिराने लगती है, तो उस समय मैं नहीं फैसला कर पाता कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। अब सुबह के 8 बज गए हैं,
उठो विविध, स्कूल का समय हो गया है, पापा की आवाज आई, वे ऑफिस जाने को तैयार हैं, थोड़ी देर में मोटरसाइकिल उठाएंगे और फुर्र, केवल मम्मी रह जाएगी, पापा निकल जाएं तो मैं एक और नींद ले सकता हूँ। कल छवि अपने स्कूल की बड़ाई करने लगी तो मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भी उससे कहा, मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है, उसमें बड़े बड़े 4 कमरे हैं। छवि के सामने मैंने जो कहा सो कहा, पर सच्ची बात तो यह है कि स्कूल का नाम सुनते तो मुझे भी रोना ही आता है। कल दादी पड़ोस की आंटी को बता रही थी कि मैं 5 साल से 2 महीने कम का हूँ। क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूँ कि बचपन के कुछ साल भी अपनी माँ के साथ नहीं गुजार सकता? अब 8:30 हो गए कि मैं रोता रहा और मम्मी मुझे तैयार करती रही। उन्होंने मुझे साबुन से नहलाया, तेल लगाया, रोज की तरह सब बेकार। मेरे आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। मम्मी कहे जा रही थी, मेरा राजा बेटा स्कूल जाएगा, खूब पढ़ेगा, स्कूल में सबसे अव्वल आएगा। पर मुझे तो स्कूल की सारी बातें उल्टी लगती हैं। मैं घर में ईशान हुआ करता था, दादू यीशु कह के बुलाते तो बहुत अच्छा लगता था। पापा ने स्कूल में नाम लिखाया तो बोले कि हाँ तुम्हारा नाम विविध होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो ईशान है वो विविध कैसे हो सकता है? स्कूल की और भी कई बातें हैं उल्टी पुल्टी, जिसे हम घर में केला कहते हैं, मैडम उसको बनाना कहती है। यह सब मुझे तो जचता ही नहीं। भला यह भी कोई नाम हुआ? जितनी मिठास केले में है उतनी बनाने में कहाँ है? बनाना में कोई इतनी मिठास है? फिर जो पहले से बना बनाया हो उसको और क्या बनाना? मुझे तो केला ही अच्छा लगता है। मैम केला को बनाना क्यों कहती हैं? ये तो कोई भी नहीं बताता। मैम ने भी नहीं बताया, जो दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानती हैं। इसलिए पहली बार जब मैम ने कहा लो विविध बनाना खाओ तो मैं तो चौंक पड़ा। बाजार की चीज़ खाने की आदत जो न थी, परंतु जब फल हाथ में आया तो सहसा ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो मेरा पसंदीदा फल केला है। अब 9:00 आखिर स्कूल आना ही पड़ा। पहले स्कूल के नाम पर रो पड़ता था, ये सोचकर कर रोऊंगा तो मम्मी पापा जरूर पिघल जाएंगे, मेरे स्कूल में आंखों में आंसू देख नहीं पाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा मेरे स्कूल को ही प्यार करते हैं, तभी तो मेरे रोने का उन पर कोई असर नहीं होता। और इन दिनों मैं चुपचाप स्कूल आने लगा हूँ बिना रोए। स्कूल आने में मुझ पर क्या बीतती है ये मैं बता ही नहीं सकता। फिर भी मैं अपने कई साथियों से बेहतर हूँ। चाचा जी मुझे गाड़ी से छोड़ आते हैं, रास्ते में मैं अपने कई कई साथियों को रिक्शे पर लदे देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। तब सोचता हूँ कि अच्छा होता स्कूल उड़कर हमारे घर पहुँच जाया करता और हमें यूँ अंधेरे ना धोकर स्कूल नहीं आना पड़ता। अब 9:15 हो गए सुबह के, प्रेयर हुई। बताया गया कि ईश्वर हम सबका पिता है, हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी गलती को माफ़ कर दे। लेकिन मैं तो कभी गलती नहीं करता, गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेता हूँ। उस दिन खेलकूद में दादू का चश्मा टूट गया, मुझे बड़ा डर लग गया कि दादू तो डांटेंगे। शाम को जब वे घर पहुँचे तो दौड़कर मैं मम्मी के कमरे में घुस गया। दादू ने कमरे से आवाज़ लगाई, वे दादी से बात कर रहे थे, मैं घबरा गया। कुछ देर के बाद दादू के कमरों की कदमों की आवाज़ आई, मैं मम्मी से और चिपट गया। विविध मेरा चश्मा किसने तोड़ा, दादू ने पूछा तो उनकी आवाज़ तेज थी। मैं भी इतना नादान नहीं हूँ कि दादू के होंठों की मैं हंसी छिपी हंसी को पहचान ना सकूँ, तो मैंने कह दिया, मैं खेल रहा था, गलती होगी दादू। मैं गलती के एहसास से दोहरा हुआ जा रहा था और दादू ने हंसते हुए मुझे गोद में उठा लिया। एक बार दूध का गिलास लुढ़क गया तब भी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, उल्टे सब हंस पड़े जैसे कोई भी बात नहीं है। स्कूल में तो मैंने कभी भूल नहीं की, फिर भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। मैम कहती हैं प्रेयर में हिस्सा नहीं लोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। और दादी एक कहानी सुनाया करती है, एक लकड़बग्गा रोज एक आदमी को खाता था, गांव वाले रोज एक आदमी को उसके पास भेज देते थे। एक बार एक आदमी लकड़बग्गे के पास पहुँचने में लेट हो गया, उसे देरी के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी, फिर भी लकड़बग्गा नाराज रहा। क्या ईश्वर की भी खूंखार लकड़बग्गा है? बच्चे के मन की कल्पना थी ये कि एक दिन यही मैंने दादी से पूछ लिया, वे घबरा गई, चुप चुप ऐसा नहीं कहते, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। दादी भले ही डरे, मैं नहीं डरता, मुझे ऐसा भगवान जरा भी पसंद नहीं जो बच्चों पर रोब जमाता हो। अब 10:00 हैं, मैडम ने स्कूल वर्क में खड़ी लाइन खींचने को दी, मुझे चौंकना ही था, क्या यही पढ़ाई है? ऐसे काम तो दादू मुझसे रोज करवाते हैं। स्कूल में कई बच्चों को कलम पकड़नी नहीं आती, पर मुझे तो दादू साल भर पहले ही सब सिखा चुके हैं। खड़ी लाइन के बारे में बताते हुए मैम ने कहा था, यह कुछ ऐसा ही है जैसे मैदान में सब बच्चों को कतार में खड़ा कर देना। मेरे जी में आया एक झटके में कागज़ पर लंबी लंबी लाइनें खींच कर उन्हें थमा दूँ, लेकिन मैडम भी गजब है, कहती है प्रत्येक लाइन सीधी और ऊपर वाली पंक्ति से शुरू होकर नीचे वाली पंक्ति पर समाप्त हो जानी चाहिए। पता नहीं इससे क्या सिखाना चाहती है। मैं मैडम से पूछना चाहता था पर मेरी तो हिम्मत पड़ी नहीं।
सुबह के 11 बज गए। एक घंटे तक हम खड़ी लाइन खींचते रहे। बीच में दूसरी मैडम भी आ गईं, वे सब मिलकर आपस में बातचीत करने लगी। एक मैडम अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी, उन्हें घर पर रहना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी स्वेटर पूरा हो जाए, देर हुई तो इनके बच्चों को तो सर्दी लग सकती है। मेरे तो दिमाग में आया ऐसी बातें, खड़ी लाइन न जाने कितनी बार खींच चुका हूँ, लेकिन आज जाने क्यों घबराहट हो रही थी। हर समय यह डर बना हुआ था कि हाथ कहीं भटक ना जाए। काफ़ी देर बाद घबराहट कम हुई, फिर तो हाथ ही भी अपने आप सद गया और बाद में मैडम ने कापी जांची तो गुड़ के साथ टॉफ़ी भी बना दी। मुझे लगा मानो मन में मिठास घुल गई हो। दादू ठीक कहते हैं, अच्छे काम की कल्पना में भी मिठास भरी होती है। 11:30 का टाइम है सुबह का। मैडम ने लंच करने को कहा। मैंने अपना टिफ़िन निकालने लगा और अपना लंच बॉक्स खोलकर मैडम भी हमारे साथ बैठ गई। कुछ बच्चे तो लंच का नाम सुनते ही उछलने लगते हैं। मुझे भी यह बंधा बंधा लगता है, भूख न हो तो भी खाना पड़ता है, फिर भी इतने सारे बच्चों के साथ बैठकर खाना बुरा भी नहीं है। तरह तरह की चीज़ें एक साथ खाने को मिल जाती हैं। कमी तो सिर्फ इस बात की है कि ये बच्चों के टिफ़िन से एक एक टुकड़ा भी खाओ तो पेट भर जाता है। अपने पसंदीदा भोजन का दूसरा कोर खाने के लिए तो भूख भी नहीं बचती। 12 दोपहर के लंच के बाद का समय तेज़ी से बीता। मैडम आपस में बतियाती रहीं, फिर कुछ देर के बाद उन्होंने हमें कविता याद कराने की कोशिश करी। 5 little monkey jumping on the bed मेरी पसंदीदा कविता थी। उसे एक बार फिर गाने का अवसर मिला। मुझे पूरी कविता याद नहीं है, बीच बीच में अटक जाता हूँ। उस दिन भी यही हुआ, परंतु मैडम ने मुझे बहुत शाबाशी दी और उसके बाद होमवर्क लिखने के लिए डायरी मांगी। कुछ देर के बाद हमारी छुट्टी हो गई। शाम के 4 हैं। घर आने के बाद खाना खाकर मैं मम्मी के साथ लेट गया और 2 के बाद आंखें खुली। शाम का समय भी बड़ी तेज़ी से भागता है। होमवर्क कराने के बाद मम्मी रसोई के काम में लग जाती हैं और मैं खेल में। कुछ देर के बाद दादू पापा चाचू एक एक करके घर लौटने लगते हैं। हर कोई मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता है, अगर ना लाए तो मुझे यह अधिकार है कि उन्हें दुकान तक खींचकर ले जाऊं। दादू आज क्या लाए हो, घर में घुसते ही मेरा पहला सवाल होता है। तो दादू जवाब देते हैं कुछ नहीं, पर मैं समझ जाता हूँ कि वे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और मैं उन पर टूट पड़ता हूँ। जेब में, मुट्ठी में, बैग में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। 8:30 है शाम के। अचानक मुझे अपना स्कूल वर्क याद आया। मैंने दादू से पूछ लिया, दादू खड़ी लाइन क्यों खींचते हैं? तो दादू ने मुझे गोद में बैठा लिया। जब भी कोई खास बात सिखानी हो वे यही करते हैं। मैं उनके चेहरे की ओर देखने लगा। वे बताने लगे कि हर पंक्ति एक बिंदु से आरंभ होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होती है, जरा सा भटकाव उसको आड़ा टेढ़ा कर सकता है। मेरे मुंह से निकला, ये हमें सिखाती है कि आदमी को हमेशा अपने लक्ष्य पर निगाह रखनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि पंक्ति कहाँ से शुरू होकर और कहाँ समाप्त होगी और दोनों के बीच छोटे से छोटा रास्ता क्या हो सकता है। जरा सी लापरवाही उसे कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। लाइन माने अनुशासन। उस दिन दादू से यही सीखने को मिला। वैसे दादू की कुछ बातें मुझे एकाएक समझ में नहीं आती, कई बार तो समझ में आती ही नहीं है। उस समय मैं उनसे और सवाल करता हूँ, उनके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता है। बिना चिढ़े ही वो मुझे समझाते हैं। उनके बारे में बस एक बात मेरे मुँह से निकलती है, मेरे दादू सबसे निराले हैं। 9 रात के सब खाना खाकर निपट चुके हैं। आज मैंने दादू के साथ कंप्यूटर पर बैठकर अपनी पसंदीदा वीडियो देखे। बंदर का नाच देखकर तो मेरी तालियां खुद ब खुद बजने लगी थी। पापा को सवेरे निकलना पड़ता है, इसलिए खाना खाते ही वे जल्दी सोने चले जाते हैं। मैं दादू के पास रह जाता हूँ, कभी कहानियाँ सुनने तो कभी वीडियो देखने के बहाने। वे चलो दूध पियो, सोने से पहले एक और चुनौती है भैया मेरे सामने। खुशी खुशी या मन को मारकर दूध का गिलास तो खाली करना ही पड़ेगा। दूध पिलाने के लिए सब के सब अपने अपने तर्क आजमाते हैं। मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता, हर कोई कहता दूध से ताकत आती है। अरे भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दिन भर जो उन्होंने मुझे खिलाया है सभी से ताकत आती है। अब तो मैं सोने जा रहा हूँ, तकिए पर सिर रखकर आँख बंद कर लेनी है, उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं है। पर मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनता। दूध पिलाने के लिए दादू तो मानो हर दिन नया खेल सोच कर रखते हैं। कभी दर्पण में मौजूद विविध को खिजाते हुए दूध पिलाना है, तो कभी कटोरी को खाली कर उसे फर्श पर नचाना है। मैं उनकी बातों में आ ही जाता हूँ, यह मुझे अच्छा भी लगता है। 9:45 हुए हैं, अब सोने का समय है, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कुछ देर और मम्मी पापा से देर तक बातचीत करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, उन दोनों को सुबह जल्दी उठना है, पापा ऊँगने लगे हैं, मुझे भी सोना पड़ेगा। कुछ दिनों से एक परी मेरे पास आने लगी है। वह मेरे साथ खेलती है, बातचीत करती है। वह मुझे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ खिलौनों के पेड़ हैं, टॉफ़ी की झाड़ियाँ हैं, दूध का हिलोर लेता समंदर है,
उसमें तितलियां अखरोट की नाव खेती हैं। अपनी नन्ही नाव पर बिठाकर वे मुझे दूर तक ले जाती हैं। वहाँ परियों की राजकुमारी रहती है, मैं उस दुनिया का राजकुमार हूँ, वहाँ केवल मेरी चलती है। कोई मुझे पढ़ने को नहीं कहता, ना कोई खेलने से टोकता या मना करता है, ना ही ऐसा कुछ करने को कहा जाता है जो मुझे पसंद ना हो। पूरी रात कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। सच कहूँ तो यही वह जादू है जो मुझे पूरे दिन खिलखिला रखता है। तो देखा बच्चों, एक बेबी के एक दिन का पूरा दिनचर्या उसने अपनी इस कहानी के माध्यम से बताई है। धन्यवाद।